हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों की का टॉपिक क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ह्यूमन ब्लड हमने पढ़ा है अभी तक, प्लाज्मा पढ़ लिया और इराइथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ लिया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ। देखो यहाँ पर लिंक आएगी अभी, यहाँ 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 पर क्लिक करना और प्लाज्मा और RBCs के बारे में इन्फॉर्मेशन जो भी है इकट्ठा कीजिए, आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। और अगर वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तफसीर में अच्छे से जानना चाहते हैं, तो भी एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करें। वाइट ब्लड सेल्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आप पढ़ें, उसको आप समझें। ब्लड का दोनों पार्ट कवर हो गया, प्लाज्मा भी बता दिया मैंने और ब्लड कॉर्पसल्स जिसमें आते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। आज आखिरी टॉपिक चल रहा है प्लेटलेट्स का। अब प्लेटलेट्स क्यों है हमारी बॉडी में, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? जहाँ से प्रोड्यूस हुआ था RBC, जहाँ से प्रोड्यूस हुआ था WBC, वहीं से प्रोड्यूस होता है कौन? प्लेटलेट्स, विच इज रेड बोन मैरो। लेकिन प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स के फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होता है, इट इज प्रोड्यूस एज मेगा कैरियोसाइट, अ सेल विच इज नोन एज मेगा कैरियोसाइट। सो ह्यूज सेल विच हैज मल्टीपल न्यूक्लियाई। इसी यही सेल जब साइनोसॉइड के फॉर्म में जब टूटता है तो उसके बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और उन्हीं साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट इज नॉट इवन अ सेल, सेल कौन सा है? मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट के ही साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। अब क्या लिखा हुआ है? इट इज इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट वॉट एवर साइट नीडेड इन बॉडी। भाई साहब, हर इंसान का हाथ कटा होगा, कभी आपने अपने नेल्स काटते हुए अपनी उंगलियों को काट दिया होगा, कभी आपने कोई नाइफ यूज करते हुए फ्रूट काटते हुए अपने थंब को काट दिया होगा। बहुत सारी कंडीशन में हमारा खून निकलता है, हमारी बॉडी से कट लग जाता है। अगर आप सोचो हमारी बॉडी में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि उसको वहीं पे रोक दे, उसको वहीं पे स्टॉप कर दे, तो हमारा पूरा का पूरा खून तो भाई कुछ देर में बाहर हो जाता, बॉडी से ख़त्म हो जाते, टेब हो जाते वहीं पे। तो प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा स्पेशल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, जो किस में हेल्प करता है? क्लॉटिंग में, वहीं पे थक्का बनाने में, जमा देने में वहीं पे ब्लड को, वहीं पे एक बैरिकेड बना देने में कि भाई जितना लॉस हो गया है हो गया है, बाकी का जो ब्लड है उसका लॉस ना हो। क्या लिखा हुआ है? रोम इन एक्टिव फॉर्म गेट एक्टिवेटेड विथ इंडोथीलियम स्कर्ट एंड इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ कोलेजन प्रोटीन। ये लोग भाई टॉर्च लेके घूम रहे होते हैं ऐसे, चलो 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 बॉडी में, भाई कहाँ पे कहीं पे कट तो नहीं लगा, कट तो नहीं लगा, कट तो नहीं लगा, कट तो नहीं लगा। जैसे ही कट लगता है एंडोथीलियम के ये कॉन्टैक्ट में आते हैं, कोलेजन प्रोटीन के ये कॉन्टैक्ट में आते हैं, तुरंत ये एक्टिवेट हो जाते हैं कि भाई साहब भाई साहब भाई साहब, जिसके लिए तनख्वाह पा रहे हैं उसका वो काम करना है, अब तुरंत बैरिकेड बनाओ, तुरंत अपने आजू बाजू जितने प्लेटलेट्स भाई बंधु हैं सबको बुलाओ और उस जगह जमा हो जाओ, ताकि जो ब्लड आ रहा है हमारे ब्लड वेसल से वो इस रास्ते बाहर ना जाने लगे, वहीं पे प्लेटलेट्स सारे आकर के जमा हो जाते हैं। देख लो भाई, प्लेटलेट्स का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके खून को एक तरीके से बचा के रखता है कि कहीं कट गया तो सारा खून बाहर ना निकल जाए। क्या लिखा हुआ है? फॉर्म्स ऑफ बैरिकेड गेट एक्यूमुलेटेड एट दैट साइट। जहां पे कट लगता है वहीं पे एक्यूमुलेट होते हैं, इधर उधर एक्यूमुलेट नहीं होते। अगर इधर उधर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगे तो डिजीज हो जाएगी भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये एक बैरिकेड बना देंगे हमारे ब्लड वेसल्स में ही, तो ब्लड ही मूव नहीं कर पाएगा आगे, जिसके वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है? दे आर बाइंडेड बाई फिब्रिन प्रोटीन विच इज प्रेजेंट एज फिब्रिनोजन इन ब्लड प्लाज्मा। अब देखिए, ये सारे भाई बंधु जमा तो हो जाते हैं, लेकिन इनको एक रस्सी में पकड़ के कस के बांधने का काम कौन करता है? फिब्रिन प्रोटीन विच इज प्रेजेंट एज, प्लाज्मा में आपने पढ़ा होगा फिब्रिनोजन, मैंने बताया था कि फिब्रिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म है, जो किसका? फिब्रिन प्रोटीन का। जैसे ही प्लेटलेट्स एक जगह जमा होना शुरू हो जाते हैं, ये फिब्रिन प्रोटीन जाता है और उनको बांध देता है कि भाई ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाए, जिसके थ्रू ब्लड जो है एक बाईपास क्रिएट हो जाए इससे और आगे ब्लड वेसल में चला जाए, उस कट के थ्रू बाहर ना निकले हमारी बॉडी से ब्लड। तो फिब्रिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोग्यूलेशन कैस्केड पढ़ाऊंगा मैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार है, उस वीडियो का आप इंतजार करो, वो वीडियो आएगी, जल्दी आएगी। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा किस पे, इसके बाद वीडियो पे बनाऊंगा मैं डिजीजेज रिलेटेड टू RBCs काउंट, WBCs काउंट और प्लेटलेट्स, तीनों की डिजीज एक बार में आएगी, एक वीडियो बनाएगी। उसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो होगी हमारी कोगुलेशन ऑफ ब्लड पे। अब अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल लेवल इज, देखिए ये सारे ये नीट में या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, पहले पूछा जाता था, अब हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हो जाए तो फिर से पूछ लिया जाए। नॉर्मल लेवल क्या होता है? 1.5 to 4.5 lakhs per millimeter cube। RBCs का काउंट क्या था? मिलियंस में था। इसका काउंट किस में है? लैक्स में है। और WBC का काउंट किस में था? थाउजेंड्स में था, याद रख लीजिएगा। RBCs का काउंट कितना था? मिलियंस में, मेल्स में करीब करीब लगभग 5.5 million, 5 million, 6 million पर मिलीमीटर क्यूब। WBCs का 6,000 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब। प्लेटलेट्स का 1.5 to 4.5 lakhs
पर मिलीमीटर क्यूब। रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। अब हम लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे जब डिजीजेस पढ़ेंगे, डिजीजेस रिलेटेड टू आरबीसीज काउंट, डब्ल्यूबीसीज काउंट एंड प्लेटलेट्स काउंट। तो प्लेटलेट्स का काम क्या, जहां पे भी कट लगा सारे भाई बंधु को जितने प्लेटलेट्स लोग हैं सब जगह एक उस जगह दौड़ जाते हैं। कैसे दौड़ जाते हैं, कैसे इनको सिग्नल मिलता है, एंडोथीलियम जैसे ही हमारा नेकेड हो जाता है, जैसे ही कॉन्टैक्ट में आते हैं कोलेजन प्रोटीन के ये प्लेटलेट्स तुरंत जाते हैं उस पॉइंट पे और जमा हो जाते हैं। इनको बांध करके कौन रखता है, फिब्रिन प्रोटीन। और उसके बाद से आप देखते हैं ना, जब कभी भी घाव होता है वो घाव धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, एक प्रोसेस चलती है जिसका नाम है फिब्रिनोलाइसिस। उस फिब्रिन प्रोटीन वो अगर वो घाव ठीक हो गया तो उसको उसका लाइसिस हो जाता है, उस फिब्रिन को खत्म कर दिया जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे कोगुलेशन कैस्केड में। समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई भी टॉपिक पे अगर आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, चलते हैं। प्लीज डू टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। मुलाकात होती है।